हमने आज इसकी बुलाया कि हमारे पास एक बहुत ही एनएससीएनआर के जो एक्टिविस्ट थे और उनका एक कमांडर है, वो एक कल हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एनएससीएनआर के कुछ लोग नाहरलगन और ईटानगर के एरिया में कोई एक्सटॉर्शन की एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं और उसका हमें व्हीकल का नंबर और मेक भी पता था। तो अकॉर्डिंगली हमने तीन टीम्स बनाई, एक ईटानगर के लिए, एक नाहरलगन के लिए और एक मोबाइल टीम, जिसमें मैं था, इंस्पेक्टर लाली, इंस्पेक्टर टी बागे थे। और इसी टीम ने पहले उसको गाड़ी को आइडेंटिफाई किया, फिर उसको चेस किया और फाइनली उसको न्यूयॉर्च के आसपास इंटरसेप्ट किया। अब गाड़ी की सर्च करने के टाइम पे हमें दो लोग हैं, जिसमें एक का नाम है फांगरन जुगली, जो कि एनएससीएनआर के चांगलांग रीजन का कमांडर है, विच इज़ बेटर नोन बाय सेल्फ स्टाइल मेजर फांगरन जुगली। और उसके साथ मनोज कुमार मित्तल, जो कि उनका एक सीमेंट का बिजनेस है चांगलांग में, वो भी उसके साथ थे। और ड्यूरिंग इंटेरोगेशन हमें पता चला कि जो बिजनेसमैन है, उसी ने ही यहाँ पे अपना एक हाइड आउट रेंट पे ले रखा था, जिस पे वो अपना रह रहे थे और अपनी एक्टिविटीज़ को कर रहे थे। उनकी पर्सनल सर्च करने पे हमें कुछ एटीएम्स कार्ड, मोबाइल नंबर्स वगैरह मिले, जिसमें तकरीबन एक एटीएम को हमने चेक करवाया तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख के आसपास मनी थी। और फर्दर हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हुआ है कि ये जो फांगरन जुगली है, इस पे चांगलांग में 5 केस हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिसमें वो वांटेड है। उसकी डिटेल आप सबको दे दी गई है, आप देख सकते हैं। और ये सारे के सारे केसेस सेंसिटिव हैं, तो जिसमें कुछ इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस के हैं, मैनिपुलेशंस के हैं, किडनैपिंग फॉर रैंसम के हैं, इनमें आर्म्स एक्ट, यूएपी एक्ट भी लगा हुआ है, जो आप देख सकते हैं। बाकी हमारी अभी ये इन्वेस्टिगेशन जारी है, आज हमने उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया था और कोर्ट से हमें 12 दिन का रिमांड उसका दोनों की उसका मिल गया। और अब हमारी ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम ये और फर्दर सोचेंगे कौन कौन उनके जो कम्प्लिस यहाँ पे हैं, या चांगलांग में है या नागालैंड में। नहीं, देखिए दो तीन पॉइंट्स थे जिस पे हमें वर्क कर रहे हैं। पहला तो ये कि यहाँ पे उनको जितना उसके पास कुछ कैश उनके हाथ में, जो हमने जो पर्सनल सर्च मिला बहुत ज़्यादा नहीं था, वो कुछ 14-15 हज़ार था, बट उनके पास एटीएम कार्ड थे, उनमें 11-12 लाख का मनी थी। इसके अलावा एक जो स्कॉर्पियो व्हीकल है, वो रिसेंटली परचेज की हुई थी, अब उसकी भी हमने वेरीफाई कर रहे हैं कि वेदर दैट व्हीकल हैज़ बीन परचेज्ड विद द रैंसम मनी और नॉट। तो प्राइमा फसाए तो हमें लग रहा है कि कोई रैंसम रिलेटेड एक्टिविटी के लिए ही वो यहाँ पे आए थे। और उसके अलावा जो अभी उसकी इंटेरोगेशन में हमें और डिटेल्स मिलेगी तो तभी हम आपको बता पाएंगे। बिजनेसमैन देखिए, ये चांगलांग में ही एक्टिविटी, ये जो मेजर है फांगरन जुगली, ये चांगलांग रीजन में ही एक्टिव रहता, वहीं पे इस जगह पे सारी एफआईआर्स देखेंगे उसी रीजन की हैं। और ये जो बिजनेसमैन है, ये उसका वहाँ पे सीमेंट का काम है, एनके इंटरप्राइज करके कोई फर्म है वहाँ पे, जिसमें वो सीमेंट का काम करते हैं। इसके साथ इसके काफ़ी पुराने रिश्ते हैं, अब वो उसको हम फर्दर देखते हैं कि वेदर क्या इसमें जो एक्टिविटीज़ थी उसमें उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट। अब यहाँ पे भी हमें जो देखने को मिला है कि हमने पर्सनल सर्च में एक स्लिप मिला, जिसमें जो नाहरलगन के एरिया में वहाँ पे एक इन्होंने एक रेंट आउट ले रखा था, टू रूम हाउस, जिसका 5000 मंथली ये रेंट पे कर रहे थे। अब वो जो बिल्डिंग है, वो जो मनोज मित्तल के नाम पे रेंटेड थी, जिसको इसने यूज़ कर रहा था। तो एट प्रेजेंट हमें ये लग रहा है कि इसको इसकी एक्टिविटीज़ का पता था और उसको
वेदर इन चांगलांग या अभी कैपिटल रीजन में उसको असिस्ट करा। नहीं, उसको भी अरेस्ट किया हुआ जी साथ में। नहीं देखिए, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन में डिटेल होगा, अभी सिर्फ हमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में तो इसका और फंगरन जुगली का लिंक मिला है। आगे अगर एनएससीएन आर से लिंक है या नहीं, वो इनकी कॉल डिटेल, बैंक डिटेल्स, उनके मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, उससे पता चलेगा। ये जो हमारे जो इसकी जो हमने कॉल डिटेल्स वगैरह सर्च की हैं, उसमें पिछले दो दिन से वो अपने हाइड आउट में थे, फ्राइडे या सैटरडे के आसपास वो यहाँ पे आए। नहीं देखिए, जो NSCNR जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली स्प्लिंटर ग्रुप है NSCNK का, और जो फंगरंग जुगली है इसका भी अगर आप पुराना रिकॉर्ड चेक करके देखेंगे तो ये इनिशियली NSCNK का ही मेंबर था। इसने म्यांमार में ट्रेनिंग भी ली है 2001 से लेकर 2004 तक, उसमें सारे जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते हैं AK-47, 50 और जितने भी एक्सप्लोसिव होते हैं उसके रिगार्डिंग इसकी सारी ट्रेनिंग वहाँ से मिली। उसके बाद ये वापस इंडिया आया, वहाँ पे चांगलांग रीजन में, वहाँ पे इसने फिर से 2014 में दोबारा NSCN, जब इसका केस स्प्लिट हो गया तो आर को ज्वाइन किया और तब से ये वहाँ पे एक्टिव है। अभी हमारे जो अपने जो सीजर सीज किया है उसमें एक महीने का लिस्ट है, अभी हम उसको पिछला चेक करेंगे अभी कितनी देर से। नहीं अभी दैट हैज़ टू बी येट टू बी वेरीफाइड, ओनर को हमें अभी तक इंटेरोगेट नहीं किया है कि वो कब से कितनी देर से आप इसका रेंट ले रहे हैं। ये तो हमारे उसकी जो अपने गाड़ी को सर्च किया था तो उसमें एक स्लिप मिला था जिसमें उसने नाम कर 5,000 का जो मनी है जो उसने पे दे रखा था ओनर को। नहीं नहीं, ये फंगरंग जुगली के नाम पे दो ATM कार्ड मिले हैं हमने, उसमें एक को हमने एक ब्लॉक है और जो दूसरा है उसमें 11,87,000 के आसपास अमाउंट है, और हम ये भी सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इतना अमाउंट उसके पास कहाँ से आया, बिकॉज उसके पास कोई भी एक्टिविटीज़ इस तरह की कोई एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है। अगर फार्मिंग भी कर रहा है तो फार्मिंग से इतना अभी दूसरे बैंक अकाउंट का भी डिटेल हमें पता लगाना पड़ेगा उसमें कितने पैसे हैं, प्लस ये जो गाड़ी है इसकी वाइफ के नाम पे है, हमने जो उसकी रजिस्ट्रेशन को चेक किया है तो वो 2018 में ही परचेज हो रखी है, तो उसमें भी वो कैसे परचेज हुई, उसके लिए जो पैसा कैसे हुआ, वेदर दैट मनी वाज गिवन इन कैश और थ्रू बैंकिंग चैनल, दैट हैज फंगरंग जुगली है जो उसी के वाइफ के नाम पे। नहीं, कैपिटल में अभी तक हमारे पास कोई अभी पता नहीं चला है, हमें सिर्फ अभी तक उसका चांगलांग का बिजनेस के बारे में पता चला है जो वहाँ पे सीमेंट का जो बेसिकली कर रहा है, बाकी उसके अलावा अगर जो उसके अभी हमने डिटेल्स ले रहे हैं तो जैसे जैसे निकलेगा फिर अकॉर्डिंग कोई उसका आप एड्रेस देखेंगे तो तीन सुकिया का है, बट वो बेस्ड हुई है चांगलांग। देखिए वो काफ़ी अभी एग्जैक्ट तो मैं हम इस स्टेज पे तो नहीं बता पाएंगे, बट काफ़ी देर उसके अगर ये फर्म उसकी काफ़ी पुरानी है। चांगलांग टाउन अगर आप चाहें तो मैं चेक भी करवा देता हूँ। टाउन मेन टाउन में ही, इसका नाम है NK एंटरप्राइज। NK नहीं, वेपन्स अभी इस स्टेज पे हमें नहीं मिले, क्योंकि हमारे इस पर हमारी इन्फॉर्मेशन जो हमें इसकी CDR को एनालिसिस किया तो ये दोनों का मूवमेंट नागालैंड से दीमापुर से हुआ है। पहले ये चांगलांग से दीमापुर गया, जो मित्तल था वहीं पे ये इससे मिला, जुगली से मिला, फिर वहाँ से ये यहाँ पे आए।
तो अभी अब हमने इसका हाइड आउट को सर्च किया, हमने व्हीकल को सर्च किया, उसमें तो अभी तक हमें कोई वेपन वगैरह नहीं मिला।